Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So guys, रमजान का पहला जुमा आप सभी को मुबारक. अभी मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक है बिकॉज मैंने कल दवाई खाई थी. और आज इफ्तारी में अदनान बनाने वाले हैं कुछ. अभी देखते हैं. अदनान तुम बना दो ना गाइस. शबे बरात से हम लोगों को बोल रहे हैं कि मैं तुम लोगों के लिए पास्ता बनाऊंगा. तो मैंने इनको आज बोली मैं तुमको सब कुछ कटिंग करके देती हूँ, तुम सिर्फ बनाने का काम करो. तो देखते हैं अब ये बनाते क्या. नहीं बनाएंगे ना. नहीं. अरे मैं तुमको सब कुछ कटिंग करके दूंगी, सिर्फ तुमको बना, भी तू ही ले. बना दो ना यार. एक तो हम लोग रोजा रखते, इतना बनाते तो तुम लोगों को एक आध बनाना चाहिए ना. बनाएंगे गाइस आज, बनाएंगे. और मम्मी यहाँ पे लहसुन साफ कर रही है, हम लोग आप पेस्ट कर दो. अदनान बना देना. नहीं, नहीं, हाँ 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 हाँ. देखो अभी कितना, एक बज गया है, अभी चले जाना नहाने के लिए, मेरे को भी जाना है. एंड मैं आप लोगों को जो कुर्ता दिखाई थी पिंक वाला, मैं आज वो पहनने वाली हूँ. बट उसके हाँ वो बराबर आ रहा है. उस दिन मैंने ऑर्डर करवा के लाई थी गाइस सेकंड डे जाके, तो मैंने उस दिन पैंट भी ली थी जोगेश्वरी से, तो वही पहन लेती हूँ उसके नीचे. एंड दुपट्टा नहीं है मेरे पास, क्योंकि दुपट्टा उस दिन ली थी तो वॉशिंग हुआ था. दुपट्टा गया किधर पता नहीं. देखते गाइस अगर नहीं होगा तो मैं जाकर न्यू दुपट्टा ले लूंगी, क्योंकि मुझे वैसे भी आज जाना ही है दोपहर में टेलर के पास कपड़े देने. हाँ क्या बोलो तुमने, जो चीजें होती वो भी लेती हूँ. मेरे पास कहा है वाइट दुपट्टा, बोलो ना अभी क्या हो गया. गाइस ये सिर्फ कैमरे के पीछे ही बोल सकते, जब कैमरा ऑन करूंगी ना इनका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि ये झूठे बातें बोलते हैं ना. झूठे चुप झूठे. एंड गाइस कमेंट में किसी ने बोला था कि आप कुनाफे की रेसिपी शेयर करो, जो मैंने कभी बनाई थी ना पहली रसोई में बनाई थी. तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी दो तीन दिन बाद, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं रेसिपी शेयर करूंगी. और खट्टे आलू की भी रेसिपी बोले तो वो भी शेयर करूंगी. गाइस थोड़ा वेट करो, धीरे 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 रेसिपीज भी शेयर करेंगे. बट ये कैसे स्टार्टिंग के डेज है ना, तो इसीलिए हम लोग रेसिपी नहीं शेयर कर रहे. इंशाल्लाह तीन चार दिन के बाद हम लोग रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. आज घर में सबसे पहले खाना बन रहा है, क्योंकि हमारे घर में आया है मेहमान और मेहमान ऊपर से नीचे ही नहीं आ रहा है. और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बन गया है. मम्मी क्या सालन बना रहे ना, हाँ कौरमे की तरह बना रहे, ताकि ये रात में भी फिर इफ्तारी के बाद हम लोगों को भी हो जाएगा. इंकुली का जो भाई है छोटा वाला, वो आया है कल रात में ही आया था, बट अभी वो ऊपर ही है सुबह से, उसको नीचे आना नहीं लगता, क्योंकि उसका फ्रेंड नहीं है ना. अमान का एग्जाम था तो अमान गया है एग्जाम के लिए, तो जब अमान आएगा लगता तभी वो नीचे उतरेगा. एंड मेरी लखनवी भी आ चुकी है इस्त्री से. गाइस ये कलर मुझे बहुत पसंद है, मुझे फर्स्ट डे ही पहनना था, इसलिए मैंने मेरी शादी में भी यही कलर पहनी थी. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर. तो क्या बोल रहे डिजाइन भाई, बताओ. एक्टिंग ही करेंगे. देखो तो यहाँ पे सबको जुम्मा मुबारक तो बोलो. अभी तक नमाज ही पढ़ा तो क्यों बोले. अरे ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है हमारे यहाँ तो. ऐसे तुम्हारे वहाँ ऐसे होता है, हमारे वीडियो में ऐसे नहीं होता है. ऐसे ही होता है. अरे तो तू जब वीडियो देखेंगे लोग तो तब तो जुम्मा हो चुका होगा. लेकिन मुझे नहीं पता ना जुम्मा नहीं बोलते. गाइस बहुत इधराते हैं, बहुत इधराते हैं, हैंडसम दिख रहे ना इसलिए इधरा रहे. चलिए अभी हम चलते हैं. जाओ अमान आया नहीं ना अभी तक का, अभी तो छूटा रहेगा. गाइस ये ना मेरी सिर्फ बेइज्जती कराने के लिए ना इस वीडियो में आते. चल निकल, चले ले. अब कुर्ते के वहाँ गए, नहीं आया, नहीं अरे नहीं आया. नो अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज हो चुकी है, कुरान शरीफ भी पढ़ लिया. गाइस ये लोग क्यों परेशान करते मुझे समझ में नहीं आता. और इफ्तारी में हम लोगों ने डिसाइड किए हैं कि हम लोग बनाएंगे अल्लाह भूल गई मैं क्या डिसाइड किए थे. वेट मम्मी से पूछ के बताती हूँ. बोले बोलो तो गाइस सिर्फ कैमरे के पीछे बहुत बात करते आप सब लोगों को लगता रहेगा कितना भोला है, बात ही नहीं करता है. हाँ पास्ता बना रहे हो ना, बना दो ना. यहाँ पे ये और मम्मी लोग बाहर खड़े हैं वहाँ पे. सो गाइस अभी अदनान मान चुके हैं पास्ता बनाने के लिए. ये अफवाह है. नहीं गाइस मान चुके, तभी मुझे अभी बोले उछल जो जो चाहिए मुझे लेकर आते हैं. ऑलमोस्ट सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा कुछ चाहिए तो वो अभी हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे. गाइस हम लोग निकल चुके हैं मार्केट जाने के लिए और हम लोगों को चना नहीं मिल रहा है. मम्मी को खाना है मेरे हाथ के चने. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये देखो ये है ना भाजी वाला खड़ा है यहाँ पे. पूछो चना है काले वाले, मिल गया. कितने का है दे दो. हाँ कैप्सिकम भी दे दो, पाव किलो. हाँ पाव किलो कैप्सिकम, कैप्सिकम इनको चाहिए गाइस.
और कुछ नहीं ना? नहीं नहीं बस दे दो भाई, दे दो रेड और ये पिंक वाला ही देना। बट बहुत बात करते हैं, स्कैनर ये जीपे कर दो तुम, तुम करो ना, हर जगह मैं ही करूँ क्या, करो। अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे और आज मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, कल मेरी खराब थी, आज मम्मी की है, इसलिए आज मम्मी इफ्तारी में कुछ नहीं बना रहे। 900 रुपया डजन मतलब बहुत ज्यादा है ना, महंगा है तू, महंगा है, महंगा है नहीं। और मम्मी को देखो आज तबीयत खराब है, इसलिए मुँह ऐसे बना के बैठे। मम्मी चना मिल गया पर थोड़े मोटे मिले हैं, देखो नहीं बाबा बहुत महंगा है। हाँ देखो 300 रुपये मिलता है, 700 रुपया नहीं चाहिए भाई। मम्मी अभी लड़ लेंगे, नहीं मतलब 700 रुपये भी बहुत महंगा है और छोटे देखो गाइस छोटे भी है, पैक कर दिया जाने दो। चलो कैप्सिकम लाई, फालूदा लाई और मम्मी ने आज पहने हैं न्यू ड्रेस। टकले जाओ ना यहाँ से, ये देखो अभी मैं बोली मम्मी ने ड्रेस पहने तो उड़ भी गए इसलिए दिखाने के लिए। चलो चलो अदनान कितने बज गए देखो, 5:30 टाइम पास मत करो। अरे बाप रे इनका तो गाइस बार्गेनिंग बहुत ज्यादा है। चलो चलो टाइम पर रहने दो, इतना वो बोल रहा है और मैं तो कितने छोटे भी है। चलो फटाफट किचन में चलो, उनको सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है ना अभी तक, इसलिए इतना महंगा है और ये मेरे दुश्मन। चलो क्या क्या गाइस ये क्या बोलते मालूम मुझे रास्ते में, क्या तू मुझे बस हेल्प कर देना और हेल्प में इनको क्या क्या हेल्प चाहिए वो आप लोग देखना। पास्ता देखो कौन सा चाहिए, कौन सा वाला है, ये वाला ना, अमन ये वाला खाता है ना ज्यादा, फिर ये वाला बना देते। चलो ठीक है, बाकी सब बाहर से लेकर आओगी, यही दो चीज बनाते हम भी। बोलो चिकन देखो कितना लगेगा उसमें, चिकन तो बहुत कम लगेगा। चलो उबाल कुछ, मम्मी सोच रहे हाँ उबालती हूँ। मम्मी अदनान बोल रहे कि अदनान लोग उबालते, अदनान मतलब ये उबालते नहीं है, क्या करते तुम बताओ, पागल बताओ तो क्या करते हो, कितने टाइम भिगाएंगे? चलो तुम जैसा बनाते तुम वैसा बनाओ ठीक है। अरे क्या खेल खेल रहे, आ गया ना उसमें आ जाएगा, बड़े वाले में तो करना है, चिकन है फिर शिमला मिर्ची सब जाएगा, चिकन देखो चिकन भी फ्राई कर देना। हां मैं चिकन तुमको करके दे दूंगी, तुम बॉईल कर लो, तुमको क्या क्या चाहिए बोल लो, मैं कटिंग कर दूंगी। क्या चाहिए तुमको? मेरा साथ। हाँ मेरा साथ तो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा इंशाल्लाह। अम्मी जब अदनान पोटले देते तब तुम कहाँ रहते हो, अदनान जब इतनी बातें करते लोग दोनों भी देर बाप के। चलो इसमें नमक डाल देती हूँ। गाइस अदनान को हम लोगों ने पास्ता बनाने बोले ना इसलिए इनको इतने जान पे आ रहा है कि बस चिल्लाया जा रहे कब से। यस यस व्हाट यस चिल्लाइस चिल्लाइस। अभी हम डालेंगे ना, और क्या चाहिए, टमाटर ऐसे ही करना है उसको भी चॉप। कितना चाहिए कांदा? उसमें डाल दो। अदनान का पास्ता बनाना बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है मुझ पे, कुछ कर तो रही नहीं है, सब तो नहीं कर रहा हूं। गाइस मैंने उनको ऑनियन छिलके दिए, ऑनियन कट करके दिए चॉपर में, मैं आपको बताती हूँ देखो बेटा। कैप्सिकम उन्होंने कट किए, ऑनियन मैंने कट, वो तो चॉपर में है बट स्टिल मैं आप लोगों को बता दूं कांदा कैसे छिल रहे थे, देखो पूरा वेस्ट कर रहे थे कांदा, ऐसा कोई कांदा छिलता है क्या? तू छिलती हो सब, जो गलत हुआ ना वो मंतशा ने की, इसको और एक इसको एक और एक बार ऐसे काटो बीच में से तो प्रॉपर होगा। गाइस ये ऐसी इनकी जो है ना गलत, वो गलत फहमी बोल रही हूँ, गलतियाँ हो रही है हाँ ऐसा। अब मेरे को ये जो चिकन है इसमें से जितना पास्ता में नीड है उसको मैरिनेट करके इनको उसको फ्राई कर कर भी देना है ठीक है, और उनको मैंने पास्ता बॉयल भी करके दे दी। नहीं बाबा नहीं, अब तुम बना रहे हो तुम ही बनाएंगे, मेरे को पता नहीं, नहीं 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 सॉरी, अभी मेरा ये इसमें क्या हो गया, नहीं हुआ अभी बराबर है, इसको
हटो, देख लिया अभी आप लोगों ने, लगा देख लिया ना गाइस, आप लोगों के सामने ही हो गया। अब मैं बताती हूँ, ऑफ कैमरा मैं करके थी, देखे ऑफ कैमरा मैं करके थी, तब जाके ये हो रहा है, कुछ नहीं होगा इनसे। तो शूट मत कर, तो शूट कर दूंगा, शूट मत कर तो फिर क्या करूँ मम्मी। तेरा क्या तो मेरा हो गया, हाँ मैं निकाल ली मैंने, तुम अभी देखो इतने से क्या करने का, इसलिए मैं थोड़ा वो कर देती हूँ। कहाँ जाओ, बाहर चले जाओ क्या, चना मेरे को बनाने कहाँ गए, तुम वहाँ जाओ ना। हाँ वो पानी फेंकना मत, वो चने क्या उसका अदरक लहसुन की पेस्ट डाले तुम, हाँ तो वो साइड में ले लो ना फिर। मैं थोड़ी रखा था, कौन रखा था, तेरा भाई रखा था, तू रखा था क्या, सिर्फ चिकन क्या करना वो करो, मैं किचन बाद में साफ करती हूँ। किचन नहीं साफ करी बेटा, आज तुमको आज पास्ता बन रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या, हाथ पैर सब अच्छे से हिला रहे थे, देखो मेरे वो मैं छिलके उसके लिए गंदगी के लिए रखी थी, मतलब कचरे में छिलके रखी थी, हाथ ही चलाने का ना। हाँ देखो ना अदनान का हाथ चल रहा है, बस नहीं है क्या, वो तो गैस ही बंद हो गया, वाह गैस लेफ्ट में करते तो कैसा बंद हो गया, लेफ्ट तो मैंने राइट में घुमाए, फिर मम्मी तुम फास्ट कैसे बंद हो गया बता दो इनको, फास्ट करना है, अरे मम्मी हाँ फास्ट नहीं कर, फास्ट करना था ठीक है। इसमें क्या पीस रहे, कबाब बना रहे क्या, ठीक है और गाइस ये मेरी मम्मी को ना आंटी बोलते, आंटी आंटी की आंटी, अभी इतना चिकन बच गया है बना देती हूँ ना, सालन क्या बनाए तो है सालन दोपहर में, चलो हटो बाबा मैं बड़ा नमक देखो यहाँ पे ऊपर ही है तुम्हारे, चलिए मेरे सामने आ गई क्या, मैं तो इस पे देखी कच्चा पास्ता, वाओ क्या बनाया है गाइस। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग पास्ते मतलब जो पास्ता बनाते हैं तो बॉईल करके डालते हो या विदाउट बॉईल, मेरा दान क्योंकि बॉईल पर मैंने जहाँ तक देखी सब लोग बॉईल करा हुआ ही डालते हैं, तू मेरे तक नहीं देखी ना, मेरे तक देखती, हाँ ठीक है ना, अभी तुम रमजान के बाद बना देना ना, मास्टर शेफ अदनान को नहीं देखना, ओके मास्टर शेफ, अभी तो आप कल क्या बनाने वाले हो, मम्मी यहाँ पे क्या बना रहे मम्मी आप, देखना खाना फिर बताना, चटनी कबाब बना रहे, इतना समझ में आ ही रहा है जब चटनी पीस रहे, चटनी चीज कबाब, ओके चटनी चीज कबाब, तो तीन डिश हो चुकी है और थोड़ा बाहर से लेकर आएंगे, अरे इसमें तुमको सॉस डाल देना चाहिए था, रुकना पहले इसको कांदे को बराबर मिक्स करने देना इसको, ओके ठीक है चलो गाइस, दोनों के दोनों आज मेरे पे ऐसा लग रहा है कि एकदम एहसान करने के लिए बना रहे, ये दे वो दे कर रहे, और मम्मी का यहाँ पे चटनी चीज रेडी हो चुका है, मम्मा चीज कबाब, चटनी चीज कबाब, तो इसमें ही तुमने डाल दिया ना चीज और चटनी, चटनी ज्यादा पीसे क्या, खत्म हो गई, ज्यादा पीसना चाहिए था ना, अपने को काम आ जाता, चल कोई नहीं चलेगा, दाल का पास्ता तो दिखने में एकदम यम्मी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे एक ये है और यहाँ पे देखो गाइस मेरा कांदा भुन गया है और अमान गया है टमाटर लाने, कैसे तो बनाने से पहले रखना पड़ता पास्ता है। मसाला डाले क्या, देखो यहाँ रखी हूँ, हाँ आसान हो रही गाइस, पास्ता बन चुका है, देखने में तो टेस्टी लग रहा है, आप देखेंगे जब इफ्तारी में खाएंगे तब कैसा रहता है, और मैंने एक चीज देखो पूरा पूरे किचन पे मैंने ये पूरा क्या करी किचन का, अरे तो अभी उड़ेगा तो सब पे उड़ेगा, रह रहे होगा इस पूरे मेरे कपड़े पे, चल तू हट जा अभी, और अदनान बताए बताओ, ये वाला तो हो गया ना यहाँ से साफ, अभी वैसे भी चेंज कर ले रहा ना जब जाएंगे तो, दाग लग गया तुमको बोल रही हूँ निकाल के उसको दे दो, मैं उसमें डाल देती हूँ ना, कहाँ से लेकर आए थे, और मम्मी का भी यहाँ पे ये कबाब रेडी हो चुका, कितने भाई मम्मी, पाँच आठ, चलो ठीक है लोगों के मतलब अदनान के, हाँ अदनान के चक्कर में ना ये मेरा चने को इतना टाइम लगा, और मेरा चना भी पता है ओवर कुक हो गया, बताओ थोड़ा ज्यादा हो गया, पर अब क्या कर सकते, देखो मसाला भून दे उसमें लास्ट में चना, हाँ मम्मी पता है मुझे, पता है मुझे काम बढ़ा, आराम करो, अरे अम्मी देखो इतना छोटा सा मिक्सर था इसमें दो टमाटर पीसी तब तक अच्छा था, पानी क्यों रखी, पानी काम, अरे पानी अभी नहीं चाहिए, नहीं नहीं रुको थोड़ा मसाला में लगता है तो यूज, चना तो गल गया बट मसाला कभी ड्राई हो जाता है, तो गाइस ये वाला ही वाटर में यूज करती हूँ जो चने का रहता है, चना मसाला मैं निकालती हूँ, की हालत देख लो मम्मी, तब तक ठीक थी, ये सिर्फ उठने हुए उड़ने पे इतना हुआ है, मैंने पूरा गाइस पूरा सिंग ही साफ कर, अल्लाह मम्मी यहाँ पे भी तो बोल रही, तू देखी नहीं क्या, पूरा सिंक मैंने साफ की, हाँ यहाँ पे भी है, जाने तो होता रहता है, इमली का दे दो मुझे,
गाइस हम लोग मतलब ये होटल से डेली मंगाते हैं ना, तो वो मतलब जो ओनर है उन्होंने भेजे, देख खोल के क्या है, मतलब रेगुलर कस्टमर जो है ना उनके लिए भेजे। अब देखते हैं इसमें क्या है। अदनान और हम लोग जाने ही वाले थे लेने के लिए। स्टार्टर्स है, बताओ। देख बोली ना, हाँ मालपुआ है, स्टार्टर्स है, समोसा है, रशियन कबाब है और मालपुआ है। चलो थैंक यू सो मच अजवा वाले भैया। अमान मतलब दरवाजे पे खड़ा था, उनको देख के मम्मी और मैं किचन में से चिल्ला रहे कि हम लोग ने कुछ ऑर्डर ही नहीं किए। तो फिर उन्होंने बोला कि आप रेगुलर कस्टमर। अब मम्मी बताइए हम लोग कितने रेगुलर है, बताओ मम्मी जरा। रोज सुबह शाम डेली। ए आलसी नहीं गाइस, हम लोग के घर में आप लोग देखते रहिए वीडियो में ब्लॉग में। हाँ हम लोग डेली सब कुछ बनाते हैं, बट अमान का बहुत नाटक रहता है, तो अमान की वजह से हम लोगों को मंगाना पड़ता है। वो देखो बाहर बैठ के पटर 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 चालू है उनका। वीडियो में पटर पटर कर, मुझे वीडियो में पटर पटर करना ही पड़ेगा, वरना लोग देखेंगे नहीं मेरे। इसमें सिर्फ आज काम बढ़ाने वाले ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मतलब ये गंदा हो गया था, तो मैंने कैसे इसको बॉडी पर ही मेरे वॉश कर दी थी, और अभी मेरा अचानक से प्लाजो पे ध्यान गया नीचे, पूरे मेरी प्लाजो पिंक पिंक हो गई है पूरी। मतलब शायद वो कलर तो जाहिर सी बात है जाएगा, डार्क कलर है ना, क्योंकि लोग वाइट पर डाई करते, और पूरा मेरे स्टमक के पास भी और अंदर के इनर पे भी। तो अब ये प्लाजो को मम्मी धो देंगे और इसको मैं सुखाने रखती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है रात में कहीं बाहर, तो अब इसको सुखाने रखते यही पहनेंगे। लोग बाहर दस्तरखान पे बैठ चुके हैं और सब कुछ मैंने दे दिया, बस अभी पास्ता ले रही हूँ अदनान और मेरे लिए, बाकी सब लोगों को सब कुछ दे दी मैंने। हाँ मम्मी आ रही, बस हो गया। तो धुआं धुआं हो जाता है ना। हेलो क्या रखू है तुम लोग के लिए? ले लो, गरम है मम्मी, अभी मैं ओवन में से लाई हूँ तो गरम ही रहेगा ना। अरे ये तो नॉर्मल है। खाया तूने खजूर? खाया। अदनान टेस्ट कर रहे सबसे पहला पास्ता। मैंने टेस्ट करा, खुद बनाया तो जाहिर सी बात अच्छा ही रहेगा ना। अच्छा है एकदम, मतलब क्या होता है प्रॉपर ओरिजिनल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सही ओपिनियन डैडी देंगे, डैडी और मम्मी। ठीक है अभी पहला खा लो। मम्मी ने खा चुके पास्ता। अच्छा बना। अभी डैडी देखो अच्छा बनाए। हाँ इनके तो तारीफ ही करेंगे ना। इससे लो ना। लो। अच्छा बना ले इनसे। अच्छा बना, सच में अच्छा बना। अभी क्यों आज अच्छा बना? हम लोग बनाते तब अच्छा नहीं बनता है क्या? दामाद के हाथ का पहली बार खा रहे हम लोग। ठीक है, तेरी मुंह दिखाई में तूने बनाई थी ना। हाँ इसी मुंह दिखाई में पास्ता बना। ओ हाँ हाँ, तो तुमको मुंह दिखाई मिलेगा आज 50-50 रुपया। देखो ये भी खा रहा है ना मेला। अभी मम्मी ने चटनी कबाब। हाँ गाइस कहा गया मम्मी तुम्हारा चटनी कबाब मैंने दिखाई नहीं दी थी। जूम कैमरा जूम करो। यस 2000 years later. तो गाइस हम लोग आए हैं जोगेश्वरी मार्केट, मोना का बर्थडे है तो उसके लिए शॉपिंग करने के लिए। गाइस देखो अदनान वहाँ पे चल रहे, वो दुकान वाला बेचारा बंद करके जा रहा था, उसको आगे पकड़ लिया रास्ते में, बोलते चालू कर शॉप। उसने वैसे भी उसकी भी गलती है ना, उसने बोला था 1 बजे बंद होएगा और 12:30 बजे ही बंद कर रहा है, तो अदनान उसके साथ में लेके जा रहे हैं। हंस रहे वहाँ पे खड़े रह के, क्या भाई चीटिंग कर रहे क्या तुम? हाँ बताने आया था, तुम बोले 1 बजे, इसलिए हम लोग इतना फटाफट आए। आपको पता है कैसे चला के दुकान बंद हो रही है? आप तो जा रहे थे ना। अब तो भी जल्दी करिए ना। गाइस ये शख्स ने उनको पकड़ के ले चला है साथ में। क्या हुआ? मुझे दिखा पहले। हाँ गाइस इसके साइज में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है मेरे साइज में। 40 है मेरा साइज, फिर भी नहीं है, 40 में भी नहीं है। दुकान वाले भैया दूसरे। ए दुकान वाला भैया बन जाना। देखना वो भाई वो वाले कलर में मेरी साइज दिखाना। ये बोल रहे हाँ ये कलर में अच्छा लग रहा है ना, यही सेम ही चाहिए मेरे को।
वाइट में पर सेट चाहिए, प्लाजो है इसमें मुकेश में, हाँ तो फिर चलेगा सेट। हाँ गाइस उसको ये अच्छा लगा है, बता टॉप बर्थडे में पहनने के लिए है ना। देखो ये इसको ये कलर पसंद आया है, बट ये मेरी साइज है और मेरे को लेना नहीं है, मैंने ऑलरेडी वो कलर पहना है। चले गया हूं, ये देखो ये भी अच्छी मेरे पास जो है ना, रख। हां 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 गाइस का अल्लाह गाइस ये मैंने लिया और ये इसने भी लिया सेम। सो ये देख, हां अच्छा ये सेम है। तुम दोनों दोनों को सेम क्यों दिखा रहे हो? वो बनाया गया बैंड वाला, बैंड वाले बनाया था। क्यों दिखा रहे पर मेरे को दो ट्राई कर लो, ठीक है। वो कलर में नहीं है क्या जो बोली मैंने तुमको? ब्लू मत दो, उस दिन भी ब्लू ली, उसके पहला भी ब्लू लेके गई थी। मेरे को पिंक में पहनी है ना, ये पिंक में देखे है उधर नीचे मैंने देखी, वो शॉर्ट वाली है, मसलीन है। हाँ ये है ना, ये अलग है, तुझे कहाँ तो अलग है। गाइस हो चुकी हम लोगों की शॉपिंग फुल, एकदम जंबो थाली भर के। अब 15वें रोजे को रिटर्न आएंगे ना, अदनान अदनान भाग रहे अभी। पेज नहीं है, मैं इसका ये डाल देती हूँ। गाइस देखो ये वाली शॉप है वैशाली में, केजी है ना, किससे? गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं जोगेश्वरी से और अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रिल्स एंड राइस, जो उसका अभी जो ये जोगेश्वरी में जो अभी न्यू रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है उन लोगों का, तो वहीं जा रहे हैं, फिर वहीं सैरी करेगा और निकल जाएंगे घर के। और यहाँ पे मैडम ने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है और क्या बोलते हैं उसको, कब हाँ इसका बर्थडे गाइस 18th of March को है, तो सब लोग आ जाना यहाँ से। अच्छा है टाउन वाले से, बहुत अच्छा एम्बियंस है इसका। और जाफर्स भाई के बाजू में ही है गाइस, फोटोज ले लो। ये अभी कुछ आई थिंक सो 1 या 2 months ही हुआ इसको ओपन होके यहाँ पे, और ये मैडम ने आगे अपने, चलो लोग नहीं कर रहे, अफू भाई कर रहे थे गाइस, इतने प्यारे देखो वहाँ पे, प्यारे झूमर हैं। हाँ क्या अरे मेरे को पहला पानी मंगाओ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, पूरा गला एकदम ऐसा अदान वही हाथ चला रहे, क्या ज़्यादा हाथ नहीं चला रहे, नहीं अक्कल बहुत मारेगा जाफर भाई वाला अपने को। अल्लाह देखो ये लोग ने कैसा ये खाए, झूठी हाँ ये इसने ही खाया है ऐसा, झूठी ये मोना। मेरी प्लेट कितनी क्लीन है, हाँ दिख रही है कितनी क्लीन है भाई, ला दो ना भाई प्लीज भूख लग रही हाँ। ये तो थम्स अप नहीं पीने वाला था, क्या हो गया? क्या हो गया, क्यों पी रहे थम्स अप? बाय बाय अंडा खा। और हो गया है हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह से खाना, और अदनान गए थे पीछे जाफर्स भाई में मालपुआ लेने का था, बट माल जाफर्स भाई बंद हो चुका है। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, बिकॉज अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गई है, बट कुछ नहीं, मैं डाल देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।